सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि झांसी की रानी जैसी एक वीरांगना जिसकी हम मूवी देखते हैं या उसकी स्टोरी सुनते हैं, दोस्त कुछ टाइम के लिए हम उस पर गर्व करते हैं कि हाँ उसने हमारे लिए आज़ादी दिलवाई, फिर हम क्या करते हैं, हम ना जाने कितनी झांसी की रानियों को ही हमने हमारी पुरानी सोच की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। अब आप बताइए कि मतलब अब आपकी नज़रों में आज़ादी क्या है? विचारों को व्यक्त करना ही होगा बिना डरे और दूसरों की हेल्प करना। तो आप बताइए वास्तव में हम में से कितने लोग इंडिपेंडेंट हैं, कितने लोग वास्तव में आज़ाद हैं? तो शायद जहाँ तक मुझे लगता है ऑलमोस्ट सबका जवाब ना में होगा। क्यों? क्योंकि हम ऐसा कुछ करते ही नहीं हैं, तो मतलब हम आज़ाद हैं ही नहीं। हम आज भी अपनी सोच के गुलाम हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है, पहले के टाइम में हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे और आज अपनी खुद की सोच के गुलाम हैं। तो बस अपनी सोच को बदलने की कोशिश कीजिए, बिना डरे दूसरों की हेल्प कीजिए। और जैसे पेरेंट्स हैं, ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को इंडिपेंडेंस डे पर फ्रीडम फाइटर्स जैसे महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह एक्सेट्रा, इन सब की कहानियाँ सुनाते हैं या उन्हें स्कूल में इनकी ड्रेसेस पहनाकर भेजते हैं। तो अब एक बात बताइए, हम उस दिन तो उनको याद कर लेते हैं, लेकिन अगले ही दिन पेरेंट्स जो है अपने बच्चों के डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर बनने की सोचते हैं। अब ऐसा कोई पेरेंट्स है जो अपने बच्चे की फ्रीडम फाइटर्स बनने की कामना करता है? शायद कोई भी नहीं होगा। तो फिर हम एक दिन याद करके छोड़ देते हैं अपने शहीदों को कि हाँ आज इंडिपेंडेंस डे है, हमने याद कर लिया, बहुत है। शहीदों ने अपनी बलि इसलिए दी थी कि हम अपने देश को के साथ आगे कुछ कर सकें, उनकी बलि का कुछ मतलब तो होगा ना, लेकिन हम भूल जाते हैं। तो उसी पर किसी ने क्या सही कहा है, ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। अब मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि हमारे देश को बहुत सालों की गुलामी के बाद आजादी मिली है। तो अब किसी कवि ने इस पर भी क्या पूछा है कि भगत सिंह इस बार ने लेना काया भारतवासी की, क्योंकि देशभक्ति के लिए आज भी सजा मिलेगी फांसी की। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, चढ़ गए जो हंसकर सूली पर, खाई जिन्होंने सीने पर गोली, हम उनको करें प्रणाम, हम उन्हें करें सलाम। और लास्ट में मैं यह भी कहना चाहूँगी कि कल ही हमारे स्कूल में जो जीके क्वेश्चंस हुए थे उसमें सर ने पूछा कि हमारे देश के किसी भी 5 शहीदों के नाम बताओ। तो शायद 50% बच्चों को भी पता होगा, या फिर किसी को पता भी है लेकिन वो शर्म करते हैं बताने में। तो एक बात बताइए, शहीद जिन्होंने अपनी जान बिना सोचे समझे, जैसे भगत सिंह जो 21 साल की उम्र में ही शहीद हो गए थे, उन्होंने तो बिना सोचे समझे अपनी जान कुर्बान कर दी थी, किसके लिए? आप लोगों के लिए। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम तो उनकी जो शहीद जो उन्होंने अपनी जान न्यौछावर की थी, अपना सेक्रीफाइस दिया था, हम उनको बर्बाद कर रहे हैं। तो बस आप यही कोशिश करिएगा कि हम अपने देश की कुछ तरक्की कर सकें। तरक्की का मतलब यहाँ मैं ये नहीं कहना चाहती कि ऊंची बिल्डिंगें बना लो या और कुछ कर लो, अपनी सोच की तरक्की कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय निर्माण।